बैठा दिया और लेसन दे दिया कि आप जो है इसको डिस्कस करें और इसमें से जो है वो लर्निंग बच्चे की करवाएं। सेमिनार, छोटे छोटे से सेमिनार ना फलां डे का जो सेमिनार है, या इस तरह की एक्टिविटीज थ्रू सेमिनार, डिबेट कंपटीशन, कमेटी एंड ग्रुप वर्क, बच्चों को एक काम जो है वो असाइन कर दिया कि ग्रुप में जाकर ये काम करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च, कोई क्वेश्चन दे दिया कि आप इसके जाओ आंसर ढूंढे। सो केस स्टडीज, दीज ऑल आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज और मैथडोलॉजीज विच वी आर यूजिंग टू इन्हांस द साइंस करिकुलम, और वी इनोवेट द साइंस इन डिफरेंट आस्पेक्ट्स। सो देर आर सेवरल इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटजी विद अडॉप्टेड स्टूडेंट लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच हैव बीन डेवलप्ड टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग साइंस। इट्स ऑल अबाउट द स्टूडेंट लर्नर अप्रोच, जिसमें टीचिंग ऑफ साइंस जो है वो हमारी इम्प्रूव होगी। स्टूडेंट लर्नर सेंटर स्ट्रेटजीज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? एनालॉगी, कंस्ट्रक्टिविज्म, लर्निंग एक्टिविटी पैकेज, कॉन्सेप्ट मेकिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एडिड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शनल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दीज आर द डिफरेंट अप्रोचेज विच वी यूज इन द स्टूडेंट लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटजीज। यहाँ तक समझ आ रहा है? यस मैम। एनालॉगी, जिसमें हम बच्चे को क्वेश्चनिंग जो है वो देते हैं, जिसमें वो आंसर परफॉर्म करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसके अंदर जो है ये आपने थ्योरी पढ़ी होगी कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ व्हाट वी से दैट अकॉर्डिंग टू एज वाइज, ग्रोथ वाइज, हम उसके माइंड को कैसे कंस्ट्रक्ट जो है वो कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं। लर्निंग एक्टिविटी पैकेजेस, जिसके अंदर डिफरेंट जो है आप एक्टिविटी दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट मेकिंग, मैपिंग के वो कहाँ तक उसकी अप्रोच है सोचने की, देखने की, समझने की। कोऑपरेटिव लर्निंग, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, अलग अलग करके बच्चे को जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। कंप्यूटर एडिड इंस्ट्रक्शन, यानी कि आप थ्रू कंप्यूटर सिस्टम, थ्रू डिजिटल सिस्टम आप कितनी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, लेक्चर मेथड के अंदर जो है वो आप कितनी उसको उसकी जो है वो यूज करवा रहे हैं। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया के थ्रू लाइक पावर पॉइंट और उसके अलावा जो है वो जिसे आपके पास जो है वो चलाई जाती है स्लाइड्स वगैरह। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ इंटरनेट, उसके थ्रू आप कितनी उस बच्चे के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वे में जो है वो इनोवेशन ला रहे हैं। इंडक्टिव अप्रोच नंबर थर्ड। Inductive approach observed that inductive method is a method of discovery. Inductive means कोई चीज discover करना। It's an opportunity for the student to discover a new concept, laws, truth, new method of solving particular problem or finding a solution to the problem in science. यानी कि इंडक्टिव मेथड में आप बच्चे को ये लाइन देते हैं, ये फॉरम देते हैं कि वो कुछ नया डिस्कवर करे, कुछ डिफरेंट डिस्कवर करे अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेप्ट, देयर मेंटल अप्रोच, देयर लॉज, देयर ट्रुथ, न्यू मेथडोलॉजी जो है वो अप्लाई करे और उससे जो है ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो है वो ढूंढे। सो इंडक्टिव अप्रोच बच्चे के अंदर जो है हमें
इस चीज की जो है वो अनाउंसमेंट करवानी चाहिए कि वो खुद अपनी सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाए। फिर प्रोसेस अप्रोच के अंदर जो है आपका टाइम आउट होने वाला है क्लास का। जी मैम, तो आप लोग जो है बिफोर दैट एक बार प्रेजेंटेशन के लिए सब तैयार रहे। मंडे से इंशाल्लाह हम लोग जो है वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। सो बी मैम रेड। प्रेजेंटेशन जेको आहे सो असां जीअं हाणे स्टूडेंट्स कुझु चयो आहे त पीपीटी जेका सो असां ऑडियो वीडियो वारी ठाहियूं, त पोइ उहे करे ठाहियूं या जस्ट पीपीटी तव्हांखे सेंड कंदासीं ऐं तव्हां ईअं डिस्प्ले कंदा स्क्रीन ते ऐं असां जेको सो जीअं तव्हां एक्सप्लेन कंदा ईअं एक्सप्लेन कयूं? ॾिसो उहे कंडीशन मां उन्हनि ॿारनि खे चई आहे जंहिं वटि रिसोर्सिस न आहिनि, जंहिं वटि कुझु ॿारनि खे ख़बर न आहे, कुझु वटि इंटरनेट जो इशू आहे त कंहिं वटि लाइट जो इशू आहे त कंहिं वटि छा मसइलो आहे, कंहिंखे प्रॉपर यूज़ न पियो करणु अचे। त इहो उन्हनि ॿारनि जे लाइ कंडीशन आहे। अगरि उहो इस चीज़ में जो इज़ी रहता है ठीक है, आप लोगों को इतनी लीनियंसी आप उसमें मुझे सेंड कर दें, और प्लस जो है वो अपनी असाइनमेंट जो आपने बनाई है या प्रेजेंटेशन जो आपने बनाई है वो काइंडली काइंडली अपने एलएमएस पर अपलोड कर दें। मैम ईमेल पे भी तो भेज दी है हमने, चैप्टर 4, 5, 6 तीनों भेज मैम दी। वो मुझे मिल गई है आप लोगों की, उसके बेसिस पर मैम हम मैम मैम तव्हांजो जेको सो एलएमएस पे वीक 11 तो शो थे, ठीक आहे, तो उन हिसाब सां असां हिकिड़ी असाइनमेंट अपलोड करे सघूं था जेका असां 5 ऐं 6 असांजो गॾु इहो चैप्टर तो वो असां अपलोड करे चुका आहियूं। पर हाणे जीअं तव्हां वीक 12 ॾियो था उते अलाउड कयो था त तॾहिं असां पीपीटी जेका हूंदी असां पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करे था सघूं, बिल्कुल तो वो तव्हां ऑप्शन ॾियो त असां पीपीटी उते अपलोड करे वठूं पीडीएफ फॉर्म में। हाँ, वो मां ओपन करे छॾा थी, वो मां जी ओपन छो त मैम पहिरां मां तव्हांजे लेक्चर जेका है उते अपलोड कयां, त पोइ वो आप जेका है ना अलाउ करे छॾा थी। जी मैम मटेरियल जेको मां तव्हांखे चवण वारी हुअसि त तव्हां उते अपलोड करे वठो आ त वधीक बेहतर थी वञे। हाँ न, मां अपलोड एक्चुअली करे छॾियो आहे, पर मां मूंखां मिस्टेक किया थी त इनेबल न कयो। मटेरियल तो मां उन्हनि डेज में अपलोड भी कयां पर मां इनेबल न कयो हुयो। सो अॼु इहो करे मां तव्हांखे उहे करे छॾियां थी, त पोइ तव्हां वटि बि काफ़ी त अची बि वियो हूंदो मटेरियल। कुझु कुझु जेको पुराणा लेक्चर हुया उन्हनि जो तव्हांखे नशो थींदो हूंदो। अच्छा, मूंखे इहो ॿुधायो त असां जेका आहे उहो चैप्टर नंबर 5 खां स्टार्ट वरितो आहे न, 4 ताईं त असां हुते क्लास में कई हुई। मैम 4 ताईं असांखे तव्हां हिकु हिकु टॉपिक ॾेई छॾियो हुयो इंडिविजुअली, त उहो असां डिस्कस कोन मैम कयो हुयो, यस यस उहो जी मैम, असाइनमेंट जेको में हलियो फोर हुयो। चैप्टर आहे न, फोर चैप्टर तव्हां असांखे असाइनमेंट में ॾिनो हुयो, मतलब 3 चैप्टर असांजा कंप्लीट थी विया हुया। फोर चैप्टर तव्हां असांखे उते मतलब कैंपस में ई हुयासीं त प्रेजेंटेशन मतलब असाइनमेंट जे लाइ ॾिनो हुयो, प्रिंट फॉर्म में हुई जेका असांजी। समझी गई मां। ऐं जेका है हाणे असां स्टार्ट कयो चैप्टर 5 का। 5 का ठीक है, सही है। पोइ इहो लेक्चर इतां खां ई कंटिन्यू इंशाल्लाह कयूं था। ऐं जेका है तव्हां मूंखे प्लीज इंफॉर्म करे छॾिजो काइनात त कहिड़ा कहिड़ा स्टूडेंट्स जेका आहिनि उहे मंडे ते प्रेजेंटेशन ॾियनि पिया, या पोइ तव्हां पाण ई जी जी ईंदी। मैम जी जी मैम मां लिस्ट जेका आहे न उहा स्टूडेंट्स खे मां चई छॾियो त नेम सां गॾु रोल नंबर सां गॾु जेको टॉपिक तव्हां सिलेक्ट कयो आहे न 6 चैप्टर मां प्रेजेंटेशन जे लाइ उहो तव्हां मूंखे ॿुधाए छॾियो अथव मैम। स्टूडेंट्स मेजोरिटी में ॿुधायो आहे त मां उनजी लिस्ट ठाहे छॾी आहे, अञा रिमेनिंग आहिनि स्टूडेंट्स, बाक़ी मां ग्रुप में पुछंदमि। तव्हां अचो न रोल नंबर वाइज ॾियनि त उहो हाणे जी मैम हीअं तव्हां ॿुधाए छॾियो की रोल नंबर वाइज ॾियणो आहे त उन्हनि खे ख़बर पइजी वेंदी पाणे त फर्स्ट खां ॾियणो आहे, न न रोल नंबर बाक़ी जे हाणे हिसाब अगरि सां ही जी ॾियणो आहे सभिनी खे, पंहिंजो मटेरियल सभी रेडी रखनि ठीक आहे। त जी तव्हां मैम जेका रोल नंबर छॾ पोइ वरी